देखो ऑब्जेक्टिव शीट में क्वेश्चन नंबर वन, मिराज आर ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट्स ड्यू टू TIR. डाइवर इन स्विमिंग पूल वॉन्ट्स टू सिग्नल टू अ पर्सन लाइंग ऑन द एज ऑफ द पूल बाय फ्लैशिंग हिज वाटर प्रूफ फ्लैश लाइट. कोई बंदा तैर रहा है डाइवर और उस किनारे पे कोई बंदा खड़ा है, उसको फ्लैश करना चाहता है, वो चाहता है कि लाइट उसकी आंख में जाए. सीधा भी कर सकता है वैसे तो, पर वहां पे जाए. तो पहला ऑप्शन है ही मस्ट डायरेक्ट द बीम वर्टिकली अपवर्ड, बिल्कुल सीधा कर दे तो उसकी आंख में नहीं जाएगी. ही हैज टू डायरेक्ट द बीम हॉरिजॉन्टली तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी. ही हैज टू डायरेक्ट द बीम एट एन एंगल टू द वर्टिकल विच इज स्लाइटली लेस देन द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल हो गया लाइट वापस आ जाएगी, तो लेस देन क्रिटिकल होगा तो कम से कम लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंख में जा सकती है, तो लेस देन क्रिटिकल. थर्ड में इफ क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज गिवन, वेलोसिटी क्या होगी. जब आपको क्रिटिकल एंगल दे दिया ना तो इनडायरेक्टली समझो म्यू भी दे दिया, क्योंकि म्यू क्या होता है 1/sin c, तो म्यू आ गया. म्यू क्या होता है c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो यहां से v कैन बी कैलकुलेटेड. तो सही है यहां तक, ठीक. तो कैसे करना समझ में आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. बर्ड एक देखो बर्ड है और ट्री के ऊपर बैठा हुआ है 6 मीटर सरफेस ऑफ वाटर से. द एपरेंट हाइट इन मीटर द बर्ड एज सीन बाय द फिश इनसाइड अ वाटर. नॉर्मली हमें क्वेश्चन में क्या होता है, जब हमने थ्योरी की, हमने थ्योरी में ये किया कि कोई जो है ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पानी के अंदर है. तो म्यू क्या होता है रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ क्या होता है म्यू रियल डेप्थ बाय म्यू. अब जब कोई भी एयर से पानी में देखता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पर देखने वाली कौन है फिश, तो कैसे देख रहे हैं डेंसर टू रेयरर. हमने थ्योरी में क्या किया था रेयरर टू डेंसर, तो जब रेयरर टू डेंसर देखना है तो यहाँ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आएगा, पर जब उल्टा देखना है मतलब पानी से एयर में देखना है तो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर आएगा. तो हमें क्वेश्चन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, अपने को उल्टा कर दिया ये इंडेक्सेस, तो अपने को इसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, आंसर 8 आएगा. तो यानी कि अगर बर्ड फिश को देखती है तो फिश उसको ऊपर नजर आती है, लेकिन अगर फिश बर्ड को देखती है तो बर्ड उसे दूर नजर आता है. तो फिश जब भी बर्ड को देखती है तो दूर नजर आएगा, उसका शिकार हो जाएगा, उसको हमेशा ये इल्यूजन रहेगी तो दूर है, अभी दूर है, दूर है, वो नीचे भागेगी नहीं तो बर्ड रखे उसको भाग खा जाएगी. सिंपल, ठीक है. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक. ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे है इसमें, ये रियल और अपरेंट डेप्थ का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें. तो इसमें अपरेंट डेप्थ बढ़ गई, 6 मीटर की जगह बर्ड उसे 8 मीटर में नजर आ रहा है, ठीक. समझ में आ रहा है कैसे करना है. नेक्स्ट, बहुत फेमस है ऐसे क्वेश्चन, अभी किया सेम वैसे क्वेश्चन है ये, पर कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन क्लास लेवल. तो क्वेश्चन है क्यूब, एक क्यूब गिवन है, ये क्यूब है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू म्यू वन गिवन है. अ रेज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो थीटा एंगल पर लाइट आ रही है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट टेक्स प्लेस एट पॉइंट पी ऑन द फेस, तो ये पॉइंट पी है जहां पर TIR अकर होता है. और अगर ये TIR हो रहा है जस्ट अकर का मतलब यहां पर मिनिमम एंगल क्या बना होगा क्रिटिकल. तो ऑब्वियसली अगर ये थीटा है तो रिफ्लेक्शन एंगल आर है, तो ये नॉर्मल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ का, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्वियसली क्या बनेगा 90 माइनस आर, और यही क्या होगा क्रिटिकल. तो क्रिटिकल एंगल होगा ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक. तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर क्या है 90 माइनस आर. तो रूल तो वही है भाई, पहले तो स्नेल लॉ ही लगाना है आपको, थीटा निकालना है इसमें, साइन थीटा निकालना है. तो लगाओ स्नेल लॉ, म्यू वन इंटू साइन थीटा, म्यू टू इंटू साइन आर. तो पहला लॉ क्लियर है, म्यू वन इंटू साइन थीटा, म्यू टू इंटू साइन आर. तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई साइन आर की, ठीक, साइन आर आ गया. फॉर्मूला ही दो आते हैं, एक स्नेल्स का एक TIR का.
तो टी आई आर का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ जो म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, इसमें क्रिटिकल एंगल क्या है 90 माइनस आर, तो 1/90 माइनस आर इज म्यू। म्यू में कैसे यूज करना होता है, ये नीचे क्या होता है डेंसर, ऊपर क्या होता है रेयरर, ऐसे होते हैं ना। तो इसमें 2 डेंसर है और 1 रेयरर है। कैसे पता लगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर और अंदर क्या हो रही है टी आई आर, इसका मतलब म्यू टू डेंसर है, तभी टी आई आर हो पाएगा ना, अगर म्यू टू डेंसर है तो ये क्लियर है। 2 μ1 और साइन ऑफ 90 माइनस आर क्या होता है कॉस आर। तो यहां से इसको ब्रेक करके लिखें, 2 नीचे है तो 2 ऊपर, 1 ऊपर है तो 1 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ गई, कॉस आर की वैल्यू आ गई, ये कॉस आर आ गया, ठीक है यहां तक। अब कॉस आर होता क्या है, हमें तो साइन आर पता है, कॉस आर क्या होता है अंडर रूट ऑफ 1 − sin² r, लिख सकते हैं। इस साइन आर की वैल्यू, इस साइन आर की वैल्यू को यहां से उठाएं जो भी वैल्यू है और उठा के यहां पे पुट करते हैं, आपको क्या निकालना है साइन थीटा। तो ये वैल्यू जब यहां पुट की जाएगी, स्क्वेयरिंग कर लें, साइन थीटा निकाल लें स्क्वेयरिंग करके, आंसर मार्क कर लें, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था, एक स्नेल लॉ, एक टीआईआर, बाकी अपना अपना मैथ है। अब मैं, अब जरूरी नहीं किसी मेथड से करो, किसी और मेथड से प्रूव कर दो तब भी चलेगा, आंसर नहीं है तो ऑप्शन गलत है, स्क्वेयरिंग करके नहीं आ रहा आंसर, ये μ1 बाय, हाँ μ1 μ2 ना चाहिए, यह तो है। ये था आंसर में भी, हाँ वो तो मैंने लिख, वो मिट गया होगा ऐसे, μ1 μ2 ऐसे होगा, ठीक है। मैंने सॉल्व नहीं किया आगे, मैंने कौन सॉल्विंग आ जाएगा, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे 1 − हाँ, तो μ2 / μ1 के फॉर्म में आएगा, हाँ ठीक है, μ2 / μ1 के फॉर्म में आएगा इसमें आंसर, तो भाई हाँ डी आएगा इसमें आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A ray of light passes from vacuum into medium of refractive index mu. Angle of incidence is found to be twice the angle of refraction. तो simple refraction का question है, कोई टी आई आर नहीं है. तो I किसके इक्वल है? Twice refraction. तो R क्या है? I by 2. Snell law से mu निकालना है. Mu क्या है? Sin I by sin R. R की जगह क्या put कर सकते हैं? I by 2. Math का formula है, sin I can be written as 2 sin I by 2 cos I by 2. ये cancel हो गया. तो म्यू क्या आ गया? 2 cos I by 2. cos I by 2 क्या है? म्यू by 2. और यहाँ से cos right पे जाएगा तो cos inverse. I क्या होगा? 2 इधर आ गया तो 2 cos inverse म्यू by 2. मैथ का फॉर्मूला है ये. sin of 2 theta is 2 sin theta cos theta. sin I is 2 sin I by 2 cos I by 2. तो कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गई. 2 नीचे चला गया, cos हट गया, I की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, बी दिया हुआ है इसका भी आंसर, 2 cos inverse म्यू by 2, 2 cos inverse, ठीक है, म्यू by 2. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज. तो रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये डेंसर से रेयरर में हिट करती है. अब वो कह रहे हैं द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर. तो कुछ लाइट का पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, और आपस में एंगल क्या है? 90. तो ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है. आई आर के इक्वल है. आपको क्या क्रिटिकल एंगल बताना है? दो ही चीजें आती हैं रिफ्रैक्शन के लिए, स्नेल लॉ और क्रिटिकल के लिए टीआईआर. तो रिफ्रैक्शन में क्या लगेगा? म्यू इंटू साइन आई, वन इंटू साइन आर डैश. तो साइन आई बाई साइन आर डैश की वैल्यू आ गई वन बाई म्यू. और दूसरा जो फॉर्मूला मुझे आता है वो ये आता है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो भी बनेगा वो वन बाई म्यू. ठीक. अब यहाँ पर इसको अगर हम इक्वेट कर लें, देखो ये स्नेल लॉ से वन बाई म्यू, ये क्रिटिकल एंगल से वन बाई म्यू, वन बाई व्यू वन बाई व्यू सेम है, तो ये इसके इक्वल हो गया, इक्वेट कर दिया. अब इसके अंदर देखने वाली चीज ये है कि जो आर डैश है, आर डैश मुझे पता है कि इस ये स्ट्रेट लाइन है, देखो इस स्ट्रेट लाइन में आर प्लस आर डैश प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180. तो आर प्लस आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90. तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस आर. ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हम ऐसा कर सकते हैं, यही मैंने लिखा हुआ है इसमें कि R प्लस R डैश का सम 90, लेकिन R और I तो बराबर ही है, तो R डैश इज 90 माइनस I. तो आप इस R डैश की जगह पुट करो 90 माइनस I, तो साइन ऑफ I, साइन ऑफ 90 माइनस I इज cos I इज साइन C. साइन बाई cos क्या है? 10. C क्या है? साइन इनवर्स 10 I. या I की जगह R भी पुट कर सकते हो, एक ही बात. दोनों आंसर्स के दो आंसर्स हैं ऑब्जेक्टिव में. मेथड समझ में आ रहा है करना क्या है? मैथ ज्यादा है ट्रिग्नोमेट्री, टीआईआर में कुछ नहीं है इसमें. स्नेल और टीआईआर में कुछ है ही नहीं, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री क्लास चल रही है लग रहा है ना. मेरे को भी लगता है टीआर करते हुए कि मैं मैथ ज्यादा कर रहा हूँ और टीआर कम कर रहा हूँ. ठीक है, मेडिकल वालों की थोड़ी सी समस्या है, बाकी तो नॉन मेडिकल में फर्क नहीं पड़ता.
कैसे ऐसे निकाल ही लेंगे।